नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू जायसवाल के साथ। रीवा के लिए आज एक बुरी खबर है। जी हाँ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के नाती विवेक तिवारी बबला का आज निधन हो गया। विवेक तिवारी के बारे में मैं आपको बताऊं, सिरमौर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उसके चुनाव हारने के बाद पिछला चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ा था, वो भी चुनाव हार गई थी। विवेक तिवारी के बारे में कहा जाता है काफ़ी मिलनसार थे। मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था, सबसे हंस के मिला करते थे, हमेशा चेहरे पे हंसी नज़र आती थी। विवेक तिवारी का पिछला इंटरव्यू मैंने 13 सितंबर को लिया था। आज मैं आपको उस इंटरव्यू के कुछ अंश ज़रूर दिखाऊंगा। विवेक तिवारी ने 13 सितंबर को मुझसे बातचीत के दौरान कहा था कि दादा, 17 सितंबर को दादा की याद में हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता, इस बार पेड़ लगा के हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। दादा उन पेड़ों में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद ही उनके दुखद निधन की खबर आएगी। उनको इलाज के लिए, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए उनको दिल्ली में ले जाया गया था। वहाँ पर उनकी किडनी लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया लेकिन अंततः उनको बचाया नहीं जा सका। विवेक तिवारी का अंतिम संस्कार कल उनके गृहग्राम तिवनी में होगा। जिस दिन होली जलेगी उस दिन उनका अंतिम संस्कार होगा। कहा जा सकता है एक घर की होली इस बार खत्म हो गई, वह भी छोटे मोटे घर की नहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के घर की। सबसे पहले बात करते हैं विवेक तिवारी बाबा। उनका जीवन सदैव जनता के लिए ही समर्पित रहा, और वो हैं या नहीं हैं ये तय कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। हम लोगों के बीच में वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, उस काल में भी उनके प्यार करने वाले को रोका नहीं जा सकता। उनको प्यार करने वालों को रोका नहीं जा सकता। विंध्य में जितने भी बड़े नेता हैं सब ने राजनीति की काका गागा उन्हीं से सीखी। ये तमाम तरीके के बातें निकल कर सामने आई। एक बार हम फिर विवेक तिवारी जी की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं 17 सितंबर किस तरीके से मनाया जाएगा। अरे सही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे ज़िले में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा और हर ब्लॉक स्तर पर काम होंगे, और वो काम किस रूप में होंगे ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे सब लोग मिलकर एक एक पेड़ सब जगह दान करेंगे, और उस पेड़ में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी सदैव हैं और रहेंगे। एक बड़ी बात जो कि अमूमन किसी के जन्मदिन पर जल्दी लोग नहीं मनाते, दादा आज हमारे बीच नहीं, लेकिन फिर भी तमाम कांग्रेसी यह कह रहे हैं कि इस बार वृक्षारोपण किया जाएगा, दादा की याद में एक एक पेड़ लगाएंगे हम लोग। अब देखना है, उन पेड़ों को लगाने की बात तो हो रही है, वो उस पर यह भी मान रहे हैं कि दादा उस पेड़ की तरह हमारे बीच रहेंगे, जैसे वो बड़ा होगा दादा की छाया मिलती रहती थी वैसे मिलती रहेगी। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी बात, काफ़ी अच्छी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।